नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बायो ज्योग्राफी के कई पॉइंट्स के बारे में पूर्व की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं, और जैव भूगोल की जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने जंतुओं का जो टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण है या वर्गीकी वर्गीकरण है उनके बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पारिस्थितिक वर्गीकरण या इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पर्यावरण के जो विभिन्न तत्व होते हैं उनके आधार पर जो उसमें परिवर्तन आते हैं जंतुओं में, उसके आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण के विभिन्न कारक विभिन्न प्रकार से जंतुओं की जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। संसार में पाए जाने वाले असंख्य जीव जंतु विभिन्न प्रकार के वातावरण में निवास करते हैं। आवास क्षेत्र के पर्यावरण व जंतुओं के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जीव जंतु अपने आवास के पर्यावरण से निरंतर अनुक्रिया करते हुए अनुकूलन स्थापित करते हैं, जिसे हम अडेप्टेशन भी कह सकते हैं। किसी जीव में स्वतः नियमन, सेल्फ रेगुलेशन, आत्म परीक्षण तथा जाति की रक्षा के लिए जो विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें अडेप्टेशन या अनुकूलन कहा जाता है। वास्तव में अनुकूलन वह विशेषताएँ हैं जो जंतुओं को उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। परिणाम स्वरूप जंतुओं में आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। लेबार्क ने सर्वप्रथम ये प्रतिपादित किया कि जीवधारी अपने को बदलते हुए वातावरण के अनुरूप रूपांतरित कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जिस प्रकार का पर्यावरण होगा उसी प्रकार के जीव जंतु वहां पर आपको मिलेंगे। आवास क्षेत्र या पर्यावरण के आधार पर जंतुओं को हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है जलीय जंतु या एक्वेटिक एनिमल्स। जल में जीवन व्यतीत करने वाले जंतुओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। जलीय जंतुओं को आवास के आधार पर दो उप वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है ताजे जल के जंतु और दूसरा है सागरीय जंतु। पहले हम बात करेंगे ताजे जल के जंतुओं की। इसमें ताजे जल में रहने वाले जीवों को सम्मिलित करते हैं। ताजे जल की प्रमुख विशेषताएं होती है निम्न लवणीय सांद्रता तथा जलवायु की तीव्र प्रभाविता। ताजे जलीय आवासों को प्रवाह के आधार पर फिर पुनः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है स्थिर ताजे जलीय आवास। जिन जलराशियों में प्रभाव विहीन अर्थात स्थिर जल पाया जाता है वह इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं। झील, तालाब आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जंतु प्लावक, असंख्य प्रोटोजोआ, अनेक प्रकार की मछलियां, कछुए, तालाबी घोंगे, रोटिफर्स आदि इन आवासों में रहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो है अस्थिर ताजे जलीय आवास। नदी, सोता, झरना इत्यादि प्रवाहमान जलराशियां को इसमें सम्मिलित करते हैं। इनमें ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों की प्रचुरता के कारण जंतुओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। इनमें अनेक प्रकार की मछलियां, घोंगे और भृंग आदि सम्मिलित होते हैं। आवास के आधार पर जंतुओं को जो दूसरा भाग था वो है कहलाता है सागरीय जंतु। समुद्रों एवं महासागरों के खारे जल में पाए जाने वाले जंतु इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। सागरीय जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। भूपृष्ठ के 3/4 भाग पर विस्तार होने के कारण महासागर पृथ्वी के अधिकांश जीवों के प्रमुख आवास हैं। जंतुओं के 3 वर्गों मीरियापोडा, ओनिकोफोरा और एम्फीबिया को छोड़कर सभी वर्गों के जंतु समुद्रों में निवास करते हैं। समुद्री आवासों को भी गहराई के आधार पर वेलापर्ती या पेलेजिक एवं नितलसक या बेंथिक क्षेत्रों में बांटा जाता है।
दूसरे प्रकार के जो जंतु है वो कहलाते हैं स्थली जंतु या टेरेस्ट्रियल एनिमल। जलवायु एवं भू आकृति में भिन्नता के कारण स्थलीय जंतुओं में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। स्थलीय जंतुओं को आवासीय आधार पर चार वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है खनन प्राणी, गुफाओं में तथा बिल बनाकर भूमिगत रहने वाले प्राणी खनन प्राणी या भूमिगत प्राणी कहलाते हैं। सर्प, चूहा, खरगोश, भालू आदि इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ये प्राणी भूमिगत दशाओं के अनुकूलित होते हैं। इनका शरीर प्राय कोमल, पतला, लंबा व रंगहीन होता है। अधिकांश खनन प्राणी अंधेरे के अभ्यस्त होने के कारण निशाचर होते हैं। इनके पंजे बिल खोदने के अनुकूल होते हैं। दूसरी प्रकार के जो प्राणी हैं वो कहलाते हैं मरुस्थलीय प्राणी। मरुस्थलों में निवास करने वाले प्राणी इसमें सम्मिलित हैं। इनमें जल का परीक्षण करने की क्षमता होती है। नेत्र, कर्ण एवं नासा छिद्र धूल से बचने के लिए भली प्रकार से आरक्षित होते हैं। शरीर पर मोटे डर्मल शल्क होते हैं और ऊंट इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। तीसरी प्रकार के जो प्राणी हैं वो कहलाते हैं हिम क्षेत्र प्राणी। हिमाच्छादित क्षेत्रों में निवास करने वाले प्राणी इनमें सम्मिलित हैं। इनमें हिमाच्छादित क्षेत्रों में रहने तथा शीत सहन करने की क्षमता होती है और निम्न तापमान पर रहने के लिए इनका शरीर अनुकूलित होता है। इनका रंग बर्फीली पृष्ठभूमि से मिलता जुलता प्राय सफ़ेद होता है। त्वचा पर लंबे लंबे फर होते हैं। हिम भालू, हिम तेंदुआ, हिम लोमड़ी और रेंडियर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगली प्रकार के जो प्राणी हैं वो कहलाते हैं घास स्थलीय प्राणी। प्राकृतिक घास के मैदानों में रहने वाले या चरने वाले या इनका भक्षण करने वाले जंतु इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ये खुले घास स्थलों में रहने को अनुकूलित होते हैं। भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए इन धावी जीवों की टांगे लंबी तथा अंगुलस्थियाँ संख्या में कम होती हैं। हिरण इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अगली प्रकार के जो प्राणी है वो कहलाते हैं वृक्षीय प्राणी। वृक्षों पर निवास करने वाले विभिन्न प्राणी इसमें सम्मिलित हैं। इनमें आरोहण अनुकूलन पाया जाता है। वृक्षों पर चढ़ने के अनुरूप इनकी श्रोणि मेखला दृढ़, पसलियां घुमावदार, नाखून विकसित एवं पूंछ होती है। छिपकली, गिलहरी, बंदर, स्लॉथ आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कोशिकाओं कशेरुकों के सभी वर्गों में आरोही प्राणी ही मिलते हैं। और तीसरी प्रकार के प्राणी कहलाते हैं वायवीय या उड्डयनशील प्राणी या एरियल एनिमल्स। वायु में उड़ने वाले या विसर्पण करने वाले जंतु इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इस वर्ग में सदैव वायुमंडल में रहने वाले अति सूक्ष्म जीवों से लेकर समस्त पक्षी आते हैं। इस वर्ग को उड्डयनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सक्रिय उड्डयनशील प्राणी। इसमें ऐसे प्राणी सम्मिलित हैं जो ऊंची एवं दूर तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। उड्डयन अनुकूलन के लिए इनका शरीर हल्का, अस्थियां वातिल, सुदृढ़ पंख व सुविकसित पक्ष पेशियां होती हैं। इनके संवेदी अंग पूर्णतः विकसित होते हैं। बाज, गिद्ध, कबूतर, चिड़िया आदि इसके पक्षी इसी वर्ग में पाए जाते हैं। और दूसरे कहलाते हैं निष्क्रिय उड्डयनशील प्राणी। इस वर्ग के प्राणी सक्रिय रूप से उड़ान भरने में सक्षम नहीं होते हैं। ये केवल नाम मात्र ही उड़ान या कुड़ान भरते हैं। उड्डयनशील मेंढक, ड्रैको आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और लास्ट जो इस वर्गीकरण में वर्ग है वो कहलाता है उभयचर प्राणी या एम्फीबियन एनिमल्स। इस वर्ग के प्राणी जल एवं स्थल दोनों प्रकार के आवासों में रह सकते हैं। ये प्राय जल या अधिक नमी वाले स्थलों में रहते हैं। इनका शरीर स्थल पर चलने तथा जल में तैरने के लिए अनुकूलित होता है। इनके पंजों की जाली तैरने में सहायता करती है। इनका शरीर नौकाकार होता है। मेंढक, टॉड आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार हमने इस जो जैव भूगोल का जो ये पाठ था या ये जो हिस्सा था जंतुओं के उद्भव
उनके विकास और उनके वर्गीकरण के बारे में हमने इस भाग में चर्चा करी। धन्यवाद।